अतीक अहमद सहित तीन को उम्र कैद की सजा, औरों को किया दोष मुक्त। उत्तर प्रदेश प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में माननीय दिनेश शुक्ला द्वारा उमेश पाल अपहरण केस में आज उम्र कैद की सजा व 1,00,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। बता दें कि बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद को प्रयागराज लाने की चर्चा जोरों पर थी और साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया। बरेली जेल से अतीक के भाई अशरफ को भी प्रयागराज लाया गया। आज प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में उमेश पाल अपहरण के मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी खान, सहलत हनीफ को उम्र कैद की सजा के साथ 1,00,000 रुपए जुर्माने के साथ सजा सुनाई गई। आज कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी के दौरान वकीलों ने अतीक अहमद के खिलाफ नारेबाजी भी करी और कहा कि सजा फांसी की होनी चाहिए, उम्र कैद हुई है, हम इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे। उत्तर अतीक अहमद के अधिवक्ता ने भी पूछे जाने पर यह बात कही कि हम इस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे। आज की तारीख में नैनी सेंट्रल जेल से लेकर प्रयागराज न्यायालय तक काफ़ी पुलिस बल पीएससी तैनात रही। न्यायालय घर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन अपनी निगाह जमाए हुए था। हर जगह पर प्रशासन तैनात रहा। न्यायालय के छत के ऊपर से भी दूरबीन कैमरे के माध्यम से शासन नजरें गड़ाए हुए था, किसी प्रकार की कोई चूक ना होने पाए। न्यायालय से लेकर के जब अतीक अहमद और अशरफ को नैनी जेल लाया गया, भारी पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था के साथ, और अतीक अहमद को वापस गुजरात के साबरमती जेल लाया जाएगा और अतीक के भाई अशरफ को बरेली जेल भेजा जाएगा। अतीक अहमद ने कोर्ट से सजा मिलने के बाद न्यायालय से निकलते वक्त हाथ हिलाते हुए गाड़ी में सवार होने के लिए निकल गए। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट, दिलबर हबीब के साथ नंदू भाई आजाद की खास रिपोर्ट। ये बताना एकदम से असंभव है जी। तो क्या अगली रणनीति क्या होगी यहाँ से आज के बाद? निर्णय के बाद रणनीति तय होगी। मतलब आप लोगों ने ये तैयारी कर ली है कि अगर फैसला पक्ष में नहीं आता तो इसे ऊपर की अदालत में चुनौती देंगे? मैंने बताया ना कि ये अपील का अधिकार है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये अतीक अहमद के